नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और हम रेगुलरली IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर एवं फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु, पेट के भीतर के बेबी का जाँच एवं जेनेटिक रोगों का परीक्षण वगैरह करते हैं, रेगुलरली करते हैं। ये हमारा YouTube कमेंट सेक्शन का साप्ताहिक सेगमेंट है, जो मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। एक IVF फेल होने के बाद क्या दूसरे में सक्सेस के चांसेस होते हैं? एक IVF फेल होने के बाद डेफिनेटली आपको दूसरा चांस लेना चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि IVF फेल क्यों हुआ उसका विवेचना करना बहुत जरूरी होता है। क्या एग में प्रॉब्लम थी, क्या स्पर्म में प्रॉब्लम थी, कितने एम्ब्रियो बने, कितने एग्स निकले, आगे एग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इन सब की विवेचना करने के बाद हम पुनः IVF करते हैं। और यदि चीज़ें ठीक होती हैं तो IVF के सक्सेस रेट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में नहीं हुआ तो फिर से नहीं हो सकता। नील शुक्राणु का इलाज दबाव से हो सकता है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नील शुक्राणु का जो इलाज है वो इलाज के काबिल है कि नहीं वो जानना बहुत जरूरी है। नील शुक्राणु का जरूरी नहीं का मतलब ये नहीं कि टेस्टिस में स्पर्म बनते ही ना हो, और नील शुक्राणु का जांच होना बहुत इसलिए जरूरी है कि वो यदि ट्रीटमेंट के काबिल है तो उसमें दवाई से या इंजेक्शन से या फिर ऑपरेशन से या फिर IVF से, उसको कैसे, उसके ही बीज से कैसे हम IVF कर सकते हैं या फिर क्या वो इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, इन सब का डिटेल एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन और जेनेटिक इवैल्यूएशन से ही पता चल सकता है। PCOD में एग अच्छे नहीं बनते हैं, इसका क्या इलाज है? PCOD में एग अच्छे नहीं बनते हैं इसीलिए PCOD होता है, और PCOD में एग अच्छे नहीं बनते हैं इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब PCOD का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मल एक अंडाशय में एक बार में बहुत सारे अंडों की रेस होती है, करीबन 1000, और उसमें एक की वृद्धि होती है, बाकी छोटे हो जाते हैं, और ये इसके भीतर का जो अंडा है वो बाहर आता है, इसको ओवुलेशन बोलते हैं। PCOD में ये जो फॉलिकल हैं ये सब एक दूसरे से होड़ में लगे रहते हैं और ये सब एक दूसरे को रोक लेते हैं और एक छोटे साइज में आके अटक जाते हैं। अब ये जो फॉलिकल है इसका यदि एक साइज 14 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर के आसपास यदि आया तो इसके भीतर के अंडों का विकास अच्छा होता है। यदि ये छोटा रहेगा तो इसके भीतर का जो अंडा रहेगा वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्शन देके प्रत्येक अंडे का साइज बढ़ा देते हैं, प्रत्येक फॉलिकल का। उसके भीतर जो एग होता है कई बार वो एग अच्छा निकलता है जब हम IVF करते हैं। यदि हम IVF में सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो इसके साथ जो ये लिक्विड होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा एंड्रोजन या मेल हार्मोन रहता है वो घट जाता है एक बार में, इसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ते हैं। फ्रीजिंग किए हो एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छा होता है क्या? कुछ हद तक मैं हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्वालिटी वाइज तो एम्ब्रियो हो सकता कि सेम हो, बट जो एंडोमेट्रियम जहाँ हम बिठाते हैं चूँकि उसमें जो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर है वो IVF के दौरान एक्सपोजर से कम रहता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में, तो उसकी इम्प्लांटेशन या बैठने का चांस बढ़ जाता है। और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जब आप किसी ब्लास्टोसिस्ट को या फिर D4 एम्ब्रियो को, अर्ली कैविटी को फ्रीज करते हैं, और फ्रीज करने के बाद जिस दिन आपने फ्रीज किया और उसके बाद यदि आपने उसको 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब भी निकाला, यदि ये इस स्थिति में जिसमें सेल कम थे और जब इसको आपने ग्रो किया और ये बड़ा हो गया, इसमें ग्रोथ हुई, तो डेफिनेटली ये एक सिलेक्शन मेथड होता है जो क्वालिटी वाइज यदि अच्छा होगा तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। हाइड्रोसेल्पिंग्स ट्यूब है, क्या करना चाहिए? हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब ये होता है, ये जो बच्चेदानी है इस बच्चेदानी की जो नली है उसको सेल्पिंग्स बोलते हैं, और हाइड्रो का मतलब होता है इसमें पानी भर जाना। यदि दोनों तरफ पानी भर गया, ये पानी जो है ये गंदा पानी रहता है, इसमें बैक्टीरिया भी रह सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं। अब चूंकि ये ट्यूब खराब है तो यहाँ से अंडा आके और स्पर्म आके मिलेगा, भ्रूण बनेगा, वो नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से अंडा निकलने के पहले इसको निकाल के हस्बैंड का स्पर्म मिला के भ्रूण बनाते हैं,
उस भ्रूण को फिर हम इधर बिठाएंगे। अब इसको जब बिठाएंगे तो यहाँ से जो गंदा पानी है कई बार रिसता है तो इसको ख़राब कर देता है, तो हम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये ब्लॉक करना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है कि हमारी तो बच्चे नहीं हुए आपने नसबंदी कर दी, बट डेफिनेटली ये आपके IVF के सक्सेस रेट को बढ़ाता है। इसको ट्यूबल क्लिपिंग कहते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को, यदि आप कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।